नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस के बाद अब तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी ने भी अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप पार्टी ने अडानी समूह के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों को देश का सबसे बड़ा महाघोटाला बताते हुए इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद से ही पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी जुप्पी साधे हुए है। पिछले कुछ दिनों में देश के करोड़ों नागरिकों का अडानी की कंपनी में 11.5 लाख करोड़ रुपया डूब गया जो उन्होंने बचत कर निवेश किया था। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अडानी से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और देशवासियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान में देश भर में अडानी ग्रुप के खिलाफ जंगी प्रदर्शन कर रही है। आप सभी पत्रकार साथी अडानी महाघोटाले से अवगत होंगे। इसी संदर्भ में आज ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बुलाई गई है जिसको संबोधित करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री पंकज सिंह जी। आज की पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज ये पत्रकार वार्ता कुछ विशेष विषयों को लेकर बुलाई गई है। आप लोग लगातार सड़क से लेकर संसद तक देख रहे हैं, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक देख रहे हैं कि किस तरीके से देश के संसाधनों को लुटाकर किसी एक शख्स को न केवल देश का बल्कि पूरी दुनिया का नंबर दो का अमीर व्यक्ति बनाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जी की। जो जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, अडानी जी की कुल संपत्ति थी 37,000 करोड़ रुपए। वो संपत्ति 2018 में बढ़कर हुई 59,000 करोड़ रुपए। वो संपत्ति 2020 में बढ़कर हुई 2 लाख करोड़ रुपए और वही संपत्ति 2022 में 13 लाख करोड़ रुपए हुई, जिससे वो दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने। और आप अगर देखें तो इस देश में आकाश से लेकर पाताल तक की जो सुविधाएं हो सकती हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोयले की खदानें हो, चाहे नदियां हो, पानी की सुविधा हो या सी पोर्ट हो, सब कुछ अडानी जी को दिया गया है। देश के अंदर तो दिया ही गया है, दुनिया भर में उनके व्यापार को फैलाने में मदद की गई है। आप देखें कि बांग्लादेश में बिजली का ठेका, श्रीलंका में बिजली का ठेका, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग का ठेका, मॉरिशस में कंपनी चलाने का ठेका, जो टैक्स हेवन देश बोले जाते हैं, कैरेबियाई देश, उन देशों में क्योंकि बहुत सारी बाध्यताएं नहीं होती, उन देशों में इनकी कंपनियां लगी और वहां पे कुछ पैसा पहुंचाया गया और इधर उधर करके उसको मैं विस्तार से भी समझा सकता हूं, रख सकता हूं, थोड़ी बहुत इकोनॉमी हम लोग समझते हैं। उस वहां पे कंपनियों को लगाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी जी को मिल जाता है। एक आम आदमी, एक कोई मजदूर, कोई मिडिल क्लास व्यक्ति, किसान आदमी, अपनी बेटी की शादी करना हो, अपना इलाज कराना हो, अपनी जमीन गिरवी रख के भी उसे कर्जा चाहिए तो चप्पलें घिस जाती हैं कि वो 2.5 लाख रुपए का कर्जा पा जाए। पाता नहीं, मिलता नहीं। और उस देश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा यूं ही दिया जाता है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है और बकायदा सत्ता पे बैठे लोगों का इसमें हाथ है। ये पैसा जो विदेशों के माध्यम से कैरेबियाई देश हो या मॉरिशस हो या अन्य जगहों में जो ये पैसा लगा, क्या वो काला धन है? क्या वो भाजपा के नेताओं का था जो घुमा फिरा के अडानी जी के माध्यम से उनका शेयर मार्केट में वैल्यू बढ़ाने का काम किया, या इसमें कहीं मोदी जी का क्या भूमिका है? इन सब चीजों पे आम आदमी पार्टी संसद से लेकर हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में लगातार संसद सदन में आवाज उठाई जा रही है।
हमारी पार्टी लगातार इस मामले में प्रदर्शन भी कर रही है कि जेपीसी की निगरानी पे जांच होनी चाहिए, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। एक आम आदमी कोई कर्जा ले ले तो उसे जेल भेजने में ये लोग देर नहीं लगाते, तो अडानी जी ऐसे क्या खास हैं कि ये सब हो रहा है, तो इसमें जांच हो। इस जांच की मांग को लेकर न केवल मीडिया के साथियों के माध्यम से हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं, बल्कि देश के सभी राजधानी मुख्यालयों में आम आदमी पार्टी कल प्रदर्शन करेगी। उसी सिलसिले में भोपाल में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की इकाई यहां प्रदर्शन करेगी और आप सब साथी सादर आमंत्रित हैं, हमने इसकी सूचना प्रशासन को भी दी है। ये मैं एक नागरिक होने के नाते, हम लोग भी LIC में विश्वास करते हैं, थोड़े दो पैसे बचाने का काम करते हैं, SBI में खाता खुलवाते हैं। मैं ये अपील आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि चूंकि सरकार में बैठे लोग अगर ये समझ रहे हैं कि उनको कोई नहीं देख रहा, जो वोटर है लोकतंत्र में, जो लोग मालिक है, जनता मालिक है, उनको कोई नहीं देख रहा, तो जो भी मन आया जिसको मन आया उन्होंने लुटा दिया। 2014 से 22 के बीच में कितनी गुना संपत्ति बढ़ गई, 37,000 करोड़ से 13,00,000 करोड़ तक का सफर कैसे ये तय कर लिए अडानी जी, ये सोचनी विषय विचारणी विषय है। जबकि देश की बड़ी संख्या में आबादी गरीबी में जी रही है, फ्री में राशन की डिमांड कर रही है, शिक्षा के लिए। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।